हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो स्पेशल बॉटनी के पार्ट्स, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। ये वो प्रश्न है जो यूपी पीसीएस प्री में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, जो टीजीटी में पूछे गए प्रश्न हैं, पीजीटी में पूछे गए प्रश्न हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में आए हुए प्रश्नों का संग्रह है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दूसरा, ये भी हो सकता है कि इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हों जिसमें हमारे बताए हुए जो आंसर हैं वो आप उनसे इत्तफाक ना रखते हों, तो बिल्कुल है, हम ये मानते हैं कि इसमें जीरो एरर है। फिर भी एरर तो छूट ही जाती है, तो आप हमें ज़रूर बताएंगे कमेंट्स करके कि ये सर आंसर ऐसा से ऐसा होना चाहिए। मैं कोशिश तो ये कर रहा हूँ कि एक भी आंसर गलत ना जाए, मगर संभावनाएं होती हैं, चूंकि हर एक प्रश्न को हम रीचेक नहीं कर सकते हैं, पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी एक आध प्रश्नों में आप और हम इत्तफाक नहीं रख सकते हैं। दूसरा, आप देखते ही हैं कि जो आयोग होते हैं उसमें कम से कम 10-10, 12-12 ऐसे प्रश्न होते हैं जिससे आप इत्तफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि ये आयोग की जो कुंजी आती है या आयोग की जो की आती है उसी से मिलान होती है, और फिर पता लगा वो संशोधित हो गई, तब संशोधित नहीं मिल पाई, तो एक आध क्वेश्चन ऐसे डिस्टर्ब होते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंटीबॉडीज क्योर डिजीज बाय, तो बताइएगा। तो उसका सही आंसर है बी, कॉम्पिटेटिव इनविटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन डीएनए सेगमेंट हैविंग 6 क्वाइल्स देयर आर 22 नाइट्रोजन बेस पेयर्स लिंक्ड बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाउ मैनी साइटोसिन बेसेस आर फाउंड इन दैट सेगमेंट, तो बताएगा। वो कह रहा है डीएनए का जो सेगमेंट है उसमें 6 क्वाइल्स हैं, यानी 6 घुमाव हैं, और उसमें से 6 घुमाव में से 22 नाइट्रोजन जो बेस हैं वो डबल लिंक्ड हैं, मतलब पेयर में बॉन्ड पाए जा रहे हैं। और पेयर में किस में पाए जाते हैं? एडनीन और थाइमिन के बीच में पाए जाते हैं, तो आप सब जानते हैं। तो 22 तो निकाल दो एडनिन और थाइमिन को, अब जो शेष बचे वो साइटोसिन हो जाएंगे। तो एक प्रायः एक क्वाइल में कितने जो हमारे नाइट्रोजिनस बेस होते हैं कितने होते हैं? 10। तो 6 है 60, 60 में 22 को माइनस कर देंगे तो कितना बनेगा? 38। तो ऑप्शन बी सही है, और इन्होंने ये इसका डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है, साइटोसिन बेस आर फाउंड इन दैट सेगमेंट, 1 क्वाइल 10 बेस पेयर, 6 क्वाइल तो 10 × 6 इज इक्वल टू 60 बेस पेयर। एडनिन और थाइमिन में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं जैसा कि उसने दिया हुआ है, तो 22 हो गए। अब हमारे पास टोटल कितने हैं? 60। 60 में अगर हम 22 को माइनस कर देंगे तो 38 आएगा, इतने साइटोसिन होंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स यूज ऑफ आरएनए एज ए टेम्पलेट टू सिंथेसाइज डीएनए? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेक्स यूज ऑफ आर एन एज ए टम्पलेट टू सिंथेसाइज डी एन ए, तो वो कौन सा होगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मेक यूज ऑफ आर एन एज ए टम्पलेट टू सिंथेसाइज डी एन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लीकेशन ऑफ डी एन ए, बहुत उम्दा क्वेश्चन है कि जिसमें सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लीकेशन नहीं होता है वो कौन सा है? तो वो है एडीनो वायरस। कौन सा है? एडीनो वायरस, देख भी लेते हैं, ये लिखा हुआ एडीनो वायरस। एडीनो वायरस डज नॉट हैव सेमी डिसकंटिन्यूअस रेप्लीकेशन ऑफ डीएनए। ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सर्वदा बहुत टफ माने जाते हैं और अक्सर गलत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एच एन ओ टू इंड्यूस्ड म्यूटेशन एडनीन इज डीएमिनेटेड टू हाइपोजेंथिन, दिस विल अल्टीमेटली लेड टू रिप्लेसमेंट ऑफ एडनिन थाइमिन पेयर बाय, तो बताइएगा। तो उसमें से कौन सा होगा सही? तो इसका ऑप्शन बी दिया है, गुआनोसिन और साइटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज नॉट ट्रू अबाउट चारगाफ इक्विवेलेंस रूल, इसमें से चारगाफ के नियम को फॉलो कौन नहीं कर रहा है? तो सिंपल सी बात है, ये नहीं फॉलो कर रहा। देखिए, ए और टी इज इक्वल टू जी प्लस सी, बिल्कुल सही है, सेम टू सेम है, जैसा ये वैसा ये, जैसा ये वैसा अपोजिट वाला, मगर यहाँ देखिए अपॉन में दिया है और ये प्लस में दिया, तो यही वाला फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन रोल ऑफ न्यूक्लियोलस इन ए न्यूक्लियस इज,
तो डीएनए रेप्लिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, और देखते हैं क्या दे रहा है, राइबोसोमल सिंथेसिस एंड क्रोमैटिड सेपरेशन। तो इसका आंसर सी उसने बताया है, राइबोसोमल सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द टी आर एन ए मॉलिक्यूल हैज ए टी साइड लूप एंड साइड लूप इन द केस स्टैंड्स फॉर। तो ऑप्शन इसका इन्होंने दिया है ए स्यूडो यूरिडिन। क्या दिया है, स्यूडो यूरिडिन दिया हुआ है। तो अगर आप ये देख ले रहे होंगे ऑक्सफोर्ड रेफरेंस के थ्रू हम आपको बताने जा रहे हैं, तो इन्होंने दिया द बेस पेयर सेगमेंट ऑफ ए क्लोवर लीफ मॉडल ऑफ ट्रांसफर आरएनए टू विच द लूप कंटेनिंग द बेस सीक्वेंस टी साई सी इज अटैच। साई मीन्स होता है स्यूडो यूरिडिन, तो यहाँ क्या है, स्यूडो यूरिडिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोटाइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूक्लियोटाइड, इनमें से न्यूक्लियोटाइड कौन सा है, तो वो है ग्वानिलिक एसिड। क्या है, ग्वानिलिक एसिड। ग्वानिलिक एसिड इज ए न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड आर, तो आप सब जानते हैं शुगर बेस और फास्फेट से मिलकर बना होता है, तो ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं, हम विकिपीडिया पर देख रहे हैं, ग्वानोसिन मोनोफास्फेट यानी जीएमपी आल्सो नोन एज फाइव ग्वानिडिलिक एसिड या ग्वानिलिक एसिड। तो आप यहाँ देखें, इज ए न्यूक्लियोटाइड दैट यूज एज ए मोनोमर इन आरएनए। तो आप ये देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सब्सटीट्यूशन ऑफ ए प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड बाई ए प्रिमिडीन न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड। तो उसे बोलते हैं क्या, बोलते हैं क्या, बोलते हैं ट्रांसवर्जन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द सिग्मा फैक्टर इज ए कंपोनेंट ऑफ, ये देखिए पीजीटी में भी पूछा गया क्वेश्चन और ये असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी भी आया था। तो ये आरएनए पॉलीमरेज से संबंधित है, सिग्मा फैक्टर किससे संबंधित है, आरएनए पॉलीमरेज से संबंधित है सिग्मा फैक्टर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5-ब्रोमोयूरिसिल इज एन एनालॉग ऑफ, किसके एनालॉगस होता है 5-ब्रोमोयूरिसिल, तो यूरेसिल किसके समसिचुएंट, थायमिन के। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द डबल हेलिक्स डीएनए मॉडल डिस्क्राइब बाय वाटसन क्रिक इज कॉल्ड, कौन था, सी डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए, तो कौन था, बी डीएनए था। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जीन्स इनकोड ल्यूसीफेरेज एंजाइम, वो जो रात में चमक छोड़ता है, इसे जुगनू देखा है, तो वो कह रहा है कि इसमें से कौन सा जीन्स उसके लिए रखता है, भूमिका निभाता है, तो वो है लक्स ए जीन्स। क्या है, लक्स ए जीन्स। तो अगर आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ अगर कंफ्यूजन हो तो यहाँ आप देखेंगे बैक्टीरियल बायोल्यूमिनेसेंस में देखेंगे, तो ये देखिए दिया हुआ है ल्यूमिनेसेंट स्पीसीज में ये जीन्स हमें देखने को मिलता है, लक्स जीन्स। नेक्स्ट, द मोस्ट स्टेबल आरएनए इन द सेल इज, तो मोस्ट स्टेबल जो आरएनए होता है सेल का वो कौन सा होता है, तो आरआरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है। कॉलिमोवायरसेस हैव, तो कॉलिमोवायरसेस में क्या पाया जाता है, डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है, या लीनियर भी हो सकता है या फिर सर्कुलर भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इन थ्री जीन्स आर प्लेस्ड ऑन द क्रोमोसोम इन द ऑर्डर ए बी सी, मतलब एक तीन जीन्स हैं और ए बी सी ऑर्डर में अरेंज हैं, एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी और बी सी में जो डिस्टेंस है, ए बी के बीच में 10 का है और 10 सेंटीमीटर का, और बी सी के बीच में 20 सेंटीमीटर का है, रिस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ डबल क्रॉस ओवर बिटवीन द थ्री
तो आप यहाँ कितना होगा, तो ये 10 और 20 को जोड़ दीजिए, 100 में निकाल दीजिए, तो यहाँ कितना निकलेगा। तो उसने लिखा हुआ, देखिए 30 लिखा हुआ है, और उसने 30 × 100 में निकालना है, परसेंट निकालना है, तो 100 कर दिया, तो 30% ही संभावना होगी। न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हिस्टोन, तो देखिए क्या होता है, H2A, H2B, H3, H4, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। और लिंकर इसमें क्या होता है, H1 लिंकर होता है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। इसने ऑक्टा कोर की बात की, इसलिए हम आपको ये आंसर बता रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूटाजेंस डीप्यूरिनेशन, तो इसमें कौन सा म्यूटाजेंस है जो डीप्यूरिनेशन करता है, तो EMS है। EMS को बोलते क्या है, तो चलो EMS की हम चर्चा कर ले। तो ये EMS है एथिल मीथेन सल्फोनेट, EMS को बोलते हैं एथिल मीथेन सल्फोनेट इज ए म्यूटाजेनिक, और ये क्या होता है, कार्सिनोजेनिक एजेंट है, और इसका फार्मूला आपका दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सिंगल DNA मॉलिक्यूल हुज न्यूक्लियोटाइड आर लेबल्ड विथ N15 इज अलाउड टू द रेप्लिकेट ऑन ए मीडियम कंटेनिंग अनलेबल्ड न्यूक्लियोटाइड्स आफ्टर 16 मॉलिक्यूल्स हैव बीन फॉर्म्ड, हाउ मैनी ऑफ देम विल शो रेडियो एक्टिविटी, जो दिखा रहा है वो कितना है, तो इसका ऑप्शन बी दिया हुआ है 2। There shall be only two strand because the replication of DNA is semi-conservative and the medium is unlabeled. Next question देख लेते हैं। Next question देखते हैं। If genetic code is triplet, how many types of amino acid will be incorporated in a protein synthesized on a copolymer UC template? तो option इसका सही बताया गया है A। Next question देख लेते हैं। कैप 0 टू प्रोटेक्ट द 5' ऑफ mRNA इज यूकैरियोटिक इन्वॉल्व्स ए, तो 5 लिंकेज दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं, देखते हैं कौन सा है। हु फर्स्ट रिपोर्टेड द जेनेटिक मटेरियल वाज DNA, तो आप सब जानते हैं एप्री मैक, जो मैक लियोड एंड मैक कार्टी थे, तो ऑप्शन इसका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द DNA इज एसिडिक बिकॉज ऑफ DNA अम्ली होने का कारण है, तो DNA अम्ली क्यों होता है, तो डी ऑक्सी राइबोज सुगर के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है, तो डी ऑक्सी राइबोज इज ए सुगर ड्राइव्ड फ्रॉम राइबोज बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बाय हाइड्रोजन, द DNA इज एसिडिक बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ डी ऑक्सी राइबोज। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, क्या दे रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू फाइंड द साइट ऑफ DNA रिकॉग्नाइज बाय एन एंजाइम, DNA पर किसी एंजाइम द्वारा पहचाने जाने वाले साइट को ज्ञात करने की निम्न विधियों में से कौन प्रयुक्त होगी, तो कौन सी होगी, ये हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, हमें कमेंट्स ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा।